बुरहानपुर जिले के कैलाश मानसरोवर कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि कॉलोनाइजर द्वारा स्वप्न बाग दिखाकर रहवासियों को प्लॉट तो बेचे गए हैं, लेकिन रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई हैं, जिसके चलते परेशान होकर कॉलोनी निवासियों ने बुधवार को कॉलोनाइजर प्रमोद जैन के खिलाफ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान रहवासियों ने बताया कि यहां ना ट्यूबवेल किया गया है और ना ही गार्डन डेवलप किए गए और ना ही मंदिर बनवाए और कई अन्य प्रकार की आधारभूत सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं। ऐसे में कॉलोनाइजर रहवासियों को नवकीय जीवन जीने को मजबूर कर रहा है। वहीं इस मामले में एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने कहा कि कैलाश मानसरोवर और उसके मालिक पवन जैन की शिकायत आई थी, जिसमें जांच की जाएगी और आवश्यक हुआ तो कॉलोनाइजर पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। विगत 2 वर्ष से कैलाश मानसरोवर में रह रहे हैं। कैलाश मानसरोवर में हमने प्लॉट लिया था करीब 4-5 साल पहले, तो हमारे को जो पॉम्पलेट दिया था कॉलोनी का, इसमें दिया गया था कि आपको मेंटेनेंस देंगे और 24 घंटे ये चौकीदार रहेगा गेट पे। चौकीदार नहीं है, ये बाउंड्री वॉल उठाई जाएगी 7 से 10 फीट तक, और टूटी फूटी है पीछे की साइड पे, और साफ सफाई की व्यवस्था है नहीं। गार्डन है, गार्डन के मेंटेनेंस है नहीं, आए दिन उसमें जानवर निकलते रहते हैं कॉलोनी के अंदर। और पानी का ट्यूबवेल यहाँ पे कॉलोनी में एक है, जो 1 साल पहले वो खराब हो गया, उसमें से पानी नहीं निकल रहा था। तो कॉलोनी के मालिक से अपन ने संपर्क किया, तो उन्होंने बोला कि भाई आप कॉलोनी में रह रहे हो, आपका काम है उसमें व्यवस्था करना क्या है क्या नहीं है। वहाँ मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, जैसे कॉलोनी का जो मालिक है वो मेंटेनेंस नहीं कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। हमने बोरिंग भी खुद के पैसों से करवाई है, बोरिंग भी हमने खुद के पैसों से लगाई है। उससे उसने बोला था, बोले ये सब मैं करवा दूंगा, मेंटेनेंस मैं से बड़े बड़े किए उसने, हमारे साथ में धोखाधड़ी की है उसने। हाँ, कल जनसुनवाई में एक शिकायत आई है कि कॉलोनाइजर के द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है और आधारभूत सुविधा नहीं दी जा रही है। मैं बताना चाहूंगी कि जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में सभी ऐसे अवैध कृत्य करने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर रहा है और हम सारे डॉक्यूमेंट्स की एक बार जांच कर ले, स्पॉट वेरिफिकेशन कर ले, फिर जो नियमानुसार लीगल होगा वो हम कार्रवाई जरूर करेंगे।